एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो चेंग है वो जियांग के फॉरहेड को देखता है और कहता है कि रुको मुझे पहले जो है तुम्हारे फॉरहेड को चेक करने दो। तो जो है चेंग जो है वो जियांग के फॉरहेड को चेक करता है और रब करता है, मन में सोचता है ओह माय गॉड इसका तो फॉरहेड रेड हो गया है। तभी जो है चेंग कॉल करता और कहता है हे चेंग यांग, हाँ क्या तुम सुन रहे हो, मैं जो है बस पहुँचने वाला हूँ और हाँ मैं जो है अपने साथ जो है वो छोटे बच्चे को भी लेकर आ रहा हूँ। तो ये सुन के जो है जियांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि चेंग और जियांग जो है वो ह्वेन सिटी जा रहे होते हैं चेंग के फ्रेंड के पास। तो तभी जो है चेंग जो है वो जियांग का फ़ोन को देख रहा होता है, जिसके बाद जो है जियांग के फ़ोन में उसकी क्लासमेट के मैसेजेस आ रहे होते हैं जो कि पूछते हैं कि हे जियांग क्या तुम घर पहुंच गए और हाँ मेरे क्या तुम्हारे पास मटेरियल्स है मैथ्स की स्टडी के लिए, नहीं है तो मैं तुम्हारे से जो है अपनी बुक शेयर कर सकता हूँ। तो चेंग को ऐसे जियांग का फ़ोन पढ़ता था, चेंग को देख रहा होता है और जो जियांग है वो चेंग को कहता है कि मेरा फ़ोन जो है मुझे वापस दो। तो ये सुन के जो चेंग है वो चेंग की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे जो है ये पर्सन बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अजीब नहीं है। तो जो जियांग है ये सुन के फिर गुस्से में बिल्कुल ऐसे मुंह फुला के बोलता है मेरे को वापस दो। तो ये देख के फिर जो है चेंग भी सोचता है और फिर जो है उसे उसका फ़ोन दे देता है और कहता है कि तुम मेरे पे जो है बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहे हो। तो जो जियांग है वो अपना फ़ोन ले लेता है और कहता है कि तुम भी जो है बहुत ही ज़्यादा अजीब हो। ये बोलने के बाद जो है अब वो दोनों जो है एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देख रहे होते, इग्नोर कर रहे होते। तो फिर जो ड्राइवर है टैक्सी ड्राइवर वो जो है वहाँ का जो सॉन्ग है वो चेंज करता है और जो है दूसरा सॉन्ग सुनने के बाद जियांग का जो है मूड थोड़ा सा चेंज होता है और रिलैक्स करता है और सॉन्ग को इन्जॉय करता है और कहता है हाँ मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया और मन में सोचता है ये वाला जो सॉन्ग है ये मैंने सुना है। तो जो चेंग है वो जियांग को ही देख रहा होता है और चेंग जो है वो जियांग को बुलाता है पर जियांग जो है कोई भी रिस्पांस नहीं देता है। तो फिर चेंग भी कहता है कि ठीक है, मन में सोचता है कि ठीक है मैं भी जो है जियांग को प्रूफ करूँगा कि वो जो लड़का है ना जो इसका क्लासमेट है ये बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम जो है ह्वेन सिटी देखते हैं जहाँ पे चेंग और जियांग जो है एक जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे वहाँ की स्टाफ कहती है कि सर प्लीज़ आप इस तरफ आए, यहाँ पे जो है ये प्राइवेट रूम है। तो वो लोग जो अंदर जाते हैं तो अंदर जो है चेंग का फ्रेंड जो है चेंग यांग होता है और वो बोलता है कि इधर आओ। और तो वैसे जो है चेंग को जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, अप्रोच करता है कि ये देखो ये मेरे पास इतना ये चीज़ें हैं तुम्हारी लाइफ सेटल हो जाएगी, तुम यहाँ पे रहोगे काम करोगे ये सब। तो जो चेंग है वो जियांग को इंट्रोडक्ट करवाता है और चेंग जो है वो कहता है अपने फ्रेंड को कहता है कि हे चेंग यांग ये देखो ये जो है जियांग है ये मेरा स्टूडेंट है और जियांग यांग मेरा फ्रेंड है। तो जियांग जो है और चेंग यांग को हेलो करता है तो चेंग यांग जो है जियांग को बहुत ही ख्याल से देख रहा होता है और कहता है हे तुम्हारा हेयर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुमने ये कहाँ से करवाया है। हाँ और ये सुन के जो है जो चेंग है वो जियांग को चेंग यांग से दूर करता है और कहते हैं कि ये जो इसके हेयर है ये नेचुरली है और हाँ वैसे भी ये जो है मेरे पास आ गया था इसलिए इसे जो है मैं अपने साथ ले आया। और ऐसा करते हुए चेंग को देख जो चेंग यांग है वो शॉक्ड रहता है, फिर स्माइल करता है और कहते हैं कि हाँ मैं समझ सकता हूँ सारे जो ट्विटर है वो ऐसे ही करते हैं। तो इस उनके चेंग कहता है अपना मुझे बंद रखो। तो उन दोनों कैसे बातें जो है करते देख जो जियांग है थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो खाने के लिए बैठ गए होते हैं तो चेंग जो है वो एक पीस निकाल के जियांग के प्लेट में डालता है तो जियांग कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो ये चीज़ जो है चेंग का फ्रेंड देख रहा होता है तो जो चेंग है वो कहता है क्यों तुम्हें तो डम्पलिंग्स बहुत पसंद है ना। तो जियांग कहते हैं कि नहीं पिछली बार जो है मैंने बहुत ही ज़्यादा खा ली थी इसलिए नहीं मुझे नहीं खाना है। तो ये सब देख के फिर कोई बात नहीं चेंग कहता ठीक है वो फिर खुद खाने लग जाता है। तो चेंग का फ्रेंड कहते चेंग तुम कितने ज़्यादा पोजेसिव लग रहे हो। फिर जो है चेंग जब जियांग को कहता है अच्छा ये लो थोड़ा तुम वेजिटेबल्स खा लो तो वो कहता है नहीं मुझे नहीं खाना। और बेचारा चेंग का फ्रेंड वो अकेले उन दोनों कैसे रोमांटिक होते देख रहा होता है। तब जो है चेंग का फ्रेंड जो है वो कहता है हे चेंग तुम तो अमेरिका जाने वाले हो ना। तो ये सुन के जो है जियांग खा ही रहा होता है और ये सुन के शॉक हो जाता है और मन में सोचता है कि अमेरिका। और चेंग जो है वो जियांग को ही देख रहा होता है क्योंकि जियांग जो है वो थोड़ा अपसेट हो जाता है ये सुनकर। फिर जो चेंग है वो भी जो है थोड़ा सा सैड होके कहता है कि हाँ मैं जाऊँगा
तभी जो है चैंग का जो फ्रेंड है चैंग यांग, वो कहता है कि अच्छा ठीक है तो तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो तो तुम्हें जो है मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो चैंग है वो वहाँ पे रखी बेल को बजाता है और कहता है बेटर प्लीज़ जो है बिल लेकर आ जाओ। तो इस के चैंग का जो चैंग यांग है वो कहता है क्या, और कहता है कि मैंने जो है इस बिल की बात नहीं की है भाई, अभी तो 8 ही बज रहे हैं, अभी तो नाइट लाइफ तो स्टार्ट भी नहीं हुई है, मुझे ये ट्रीट नहीं चाहिए। तो ये सुन के जो है चैंग कहता है कि देखो जियांग का जो है मेरा जो है सोने का टाइम बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, तो मैं आज की मीटिंग यहीं ख़त्म करो। जियांग जो है वो बिल्कुल नींद में होता है। हाँ तो जो चैंग है वो कहते हैं जियांग, तो जियांग कहते हैं हाँ। तो जो जियांग है अपना हाथ जो है जियांग की तरफ बढ़ाता है और कहते हैं कि क्या तुम फुल हो गए, तो जियांग कहते हैं हाँ, और वो आंखें बंद करके ऐसे बोल रहा होता है नींद में। तो चैंग जो जियांग को खड़ा करता है और उसको जैकेट पहनाता है, कवर अप करता है और कहता है कि अच्छा बताओ कि तुम कल कब सोए थे लास्ट। तो जियांग जो कहते हैं मुझे नहीं पता कि मैं कब सोया था। और बेचारे जियांग अपना आंखें बंद करके आराम से ऐसे नींद में होता है और चैंग उसे पहना रहा होता है जैकेट, और ये सारी चीज़ें जो है चैंग यांग देख रहा होता है, उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था जो अपने सामने वो देख रहा होता है। तभी जो है चैंग जियांग के गालों को ऐसे खींचता है और कहते हैं कि तुम कैसे भूल सकते हो, तुम सारी चीज़ें भूल जाते हो। और ये सारी चीज़ें चैंग देखता हो वो ड्रिंक कर रहा होता है, वो ड्रिंक उसके मुँह से बाहर आ जाती है। तभी जो है चैंग यांग अपने आँखों को बंद करता है और कहता है अच्छा ठीक है ठीक है मिस्टर प्रेजिडेंट, आप जाओ, हम कभी और जो है मीटिंग अपनी रखेंगे, और वैसे भी मैं अपने साथ कुछ अकेला टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। फिर जो है चैंग कहता है ओके ठीक है गुड बाय, और जियांग भी चैंग को देख रहा होता है। फिर वो देखते हैं कि वो लोग जा रहे होते हैं घर के लिए। तभी जो है जियांग जो है चैंग को कहता है कि मुझे जो है घर ऐसे चलते हुए वॉक करते हुए जाना है। तो ये सुनकर जो है चैंग जियांग को देखता है, मम्मी सोचता है कि वैसे जो इसने गर्म कपड़े पहने हैं, आई होप से जो है ठंड ना लग रही। तभी जो है जियांग कहते हैं वैसे भी मैंने बहुत ही ज़्यादा आज खा लिया है। तभी जो है चैंग जो है वो जियांग के हाथ में जो बैग होता है वो ले लेता है और कहता है कि ठीक है चलो हम जो है वॉक करते हुए घर चलते हैं। तभी जो है चैंग जो है वो जियांग की तरफ देखता है और कहता है कि कल से जो है तुम्हारे स्कूल स्टार्ट है ना, तो मेरे हिसाब से तुम जो है अपना जो गोल है वो छोटा ही रखना, तुम जो है अपना बेस्ट देना कि तुम पूरे क्लास में टॉप 40 में। तो जियांग इधर उधर देख रहा होता है। तभी जो है जियांग जो है वो पटरी के साइड पर ऊँची जगह होती है उस पर ऐसे चल रहा होता है। तो जियांग कहता है कि नहीं मुझे जो है इंग्लिश सीखनी है। तो ये सुन के चैंग कहता है कि हाँ ठीक है अच्छी बात है तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, इससे जो तुम्हारे स्कोर है वो भी जो है बढ़ जाएंगे। तभी जो ऐसे चलते चलते अचानक से जियांग जो है वो गिरने वाला होता है। तभी जो है चैंग जो है जियांग का हाथ पकड़ लेता है और फिर ऐसे हाथ पकड़ के वो लोग चलते हैं। तो चैंग जो है वो जियांग को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें जो है बस 100 में से बस अच्छे से थोड़ा तुम स्कोर अच्छा कर लेना अपना, ठीक है। तो जियांग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे यूनिवर्सिटी जा पाऊँगा। तो चैंग कहता है कि तुम आखिर इस समय इतना इस चीज़ के बारे में तुम सोच क्यों रहे हो। हाँ तभी जो है जियांग स्माइल करके कहते हैं मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी अमेरिका जाऊँ, अच्छा रहेगा ना स्टडी के लिए। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड नहीं ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल, और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिए। बाय।